सभी को योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार के इस दिव्य प्रांगण से स्वागत करते हैं, निरंजन करते हैं। आप सभी को आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा जो बहुत ही घातक है और बहुत ही पीड़ा देने वाला है। उस बीमारी का नाम है लकवा पैरालिसिस। चाहे वो शरीर के एक हिस्से में लकवा लगा हुआ हो, चाहे वो सर्वांगीण हो, उस व्यक्ति को कैसे हम योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा ठीक कर सकते हैं। उस व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को एक तरफ लकवा मारे हुए है, बैठ नहीं पा रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो लेटे लेटे उस व्यक्ति को कम से कम जितना बार उनकी इच्छा हो, जितना बार वो चाहे, ओंकार का उच्चारण करें। मैं एक बार करके दिखा देता हूं। बैठ करके या लेट करके आंख बंद करके प्रभु का स्मरण करते हुए अकार, उकार और मकार का संगम करते हुए, समागम करते हुए कम से कम 3 बार से प्रारंभ करते हुए आप इसे 51 बार, 101 बार, 500 बार, 1000 बार, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा आधा घंटा तक, क्योंकि जिस व्यक्ति को लकवा लग जाता है, पैरालिसिस मार देता है, वह व्यक्ति अब दूसरा कोई काम नहीं कर पाते हैं, लेटे लेटे रहते हैं और वो सोचते सोचते चिंता में और उनकी बीमारी बढ़ती जाती है। इसलिए आप बैठकर, लेटकर, जैसे इच्छा हो आप ओंकार का उच्चारण करें, आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक होगी। दूसरा है, यदि अभी तो मैंने अकार, उकार, मकार का संगम कराया तो ओंकार का उच्चारण हो रहा था। एक भ्रामरी का अभ्यास है, इसमें दोनों अंगूठे को कान में लगाते हैं। यदि लकवा लग गया हो एक तरफ या दोनों तरफ, हाथ नहीं उठ रहा हो, तो आप क्या करें कि कपड़े को गोल गोल बना करके गोली जैसा और दोनों कानों में यहाँ लगा दी, क्योंकि हम उठा लगाते हैं कान को बंद करने के लिए। आपके हाथ नहीं उठ रहे लकवा लग जाने के कारण, तो दो कपड़े के गोली जैसा बनाइए और उसको कान में हल्का सा दबा दीजिए, ठूस दीजिए, ऊपर से बंद हो जाएगा कान, हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब भ्रामरी प्राणायाम में अकार उकार का उच्चारण नहीं होगा, केवल मकार का होगा। यानी दोनों होठों को सटा लीजिएगा ऐसे सांस भर के, इस मकार का उच्चारण आपको 3 बार से लेकर के 21, 51, 51 या 101 बार तक लगातार करेंगे तो लकवा की बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ओम का उच्चारण और फिर इसके बाद में आपको भ्रामरी प्राणायाम का उच्चारण अभी मैंने करवाया, कैसे लकवाग्रस्त लोगों को करना है, क्योंकि दोनों हाथ उठ नहीं पाएंगे, तो उस स्थिति में आपको दोनों कान में कपड़े को गोल बना करके गोली जैसा उसमें ठूस देंगे तो कान बंद हो जाएगी और आप भ्रामरी का उच्चारण कर सकते हैं। आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करते समय यदि एक हाथ में लकवा लगा हुआ है, बायां में या दायां में, तो एक हाथ का प्रयोग करते हुए आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत आपको बाएं नासिका से सांस लेते हुए
और दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिना से लेकर के फिर बाएं से आपको ये अभ्यास को करना है। मैं एक बार करके दिखा देता हूं। यदि बायां हाथ में लकवा लगा हुआ है तो दाहिना हाथ से अनुलोम विलोम करेंगे, बाएं नाक से सांस भरिए, सांस भर लीजिएगा, फिर दोनों बीच की अंगुलियों से बाएं नासिका को बंद करके दाहिने नाक से सांस को छोड़ना है, फिर दाहिने से ही भरना है, फिर दाहिना को बंद करके और बाएं से छोड़ना है। ये है एक तरफ लकवा लगे हुए व्यक्तियों के लिए। यदि दाहिना में लकवा है तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे और स्वर शुरुआत करेंगे बाएं नासिका से ही। इसमें आपको अंगूठा यहां लगा रहे हैं तो यहां नहीं लगाना है, पहले इधर बंद करेंगे दाहिने को, फिर बाएं से सांस भरेंगे, फिर बायां को बंद करके दाहिना से छोड़ेंगे, फिर दाहिना से खींच करके बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेकर के दाहिने से छोड़ेंगे। यही क्रिया आपको लगातार दिन भर करना है, जितना आपको समय मिले, 10 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा, उठते सोते जगते खाते पीते आप इसको करते रहिए। इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। और घर में कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति को दोनों तरफ फुल बॉडी पैरालाइज हो गए हैं, सांस केवल चल रहा है, तो अपने परिजन को कहिए, बाल बच्चे पति पत्नी जो भी घर में हो अगल बगल बैठ जाएंगे, और जो व्यक्ति या साधक हम हाथ को पकड़ के कर रहे थे यही हाथ की क्रिया आपके परिजन करेंगे आपके सिरहाने बैठ करके, और एक एक अंगुलियों को पहले दाहिने नाक में दबाएंगे, आपसे बोलेंगे कि सांस भरिए तो बाएं से लीजिएगा, फिर आपके बाएं नासिका को बंद कर देंगे, बोला जाएगा कि आप दाहिने से सांस को छोड़िए तो दाहिने से सांस छोड़िएगा, फिर आपसे बोला जाएगा कि दाहिने से भरिए तो दाहिना से भर लीजिएगा, और फिर दाहिना बंद करके बोला जाएगा बाएं से छोड़िए तो बाएं से छोड़ दीजिएगा। बस यही क्रिया आपको करते रहना है और बहुत जल्दी आप लकवा जैसे भयंकर बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। और एक तरफ यदि लगा हुआ है, मान लीजिए हाथ में पैर में इधर लकवा है नहीं उठ रहा है, तो दूसरे हाथ का सहारा लेकर के आप इस हाथों को ऊपर नीचे बाएं दाएं आप इसे घुमाते रहना है। आपको गोल गोल भी घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। यदि इधर का पैरालाइज है ये हाथ ठीक है तो इधर से करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, पैरों को भी उसी प्रकार उठा पटक करेंगे, बाएं दाएं करेंगे पकड़ पकड़ के। एक तरफ वाले को तो आराम है एक हाथ से कर लेंगे, लेकिन यदि दोनों तरफ से है तो अपने परिजनों को बोलेंगे ये सब क्रियाएं छोटी छोटी अभ्यास को आप साइड में बैठ करके उनको प्रतिदिन सुबह शाम आधा आधा घंटा करवाएं, और यही भ्रामरी ओम का उच्चारण और अनुलोम विलोम लगातार करते रहें। और दिनों भर करें, कहने का मतलब कि आपको जितना समय मिल रहा है उतना देर तक लगातार करते रहें। पैरालिसिस लकवा बहुत जल्द आपके शरीर को छोड़ करके भाग जाएगी। तो आइए आप सभी को एक बार पुनः ब्रिज मोहन योग चैनल में स्वागत करते हुए आपसे यही निवेदन कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करें, क्योंकि समाज में बहुत सारे करोड़ों ऐसे लोग हैं जो घरों में हैं और पैसे के अभाव में लकवा ग्रस्त होकर के कोई दवा नहीं ले पा रहे हैं और आसक्त होकर के और चिंतायुक्त जीवन जी रहे हैं। वैसे लोगों को भला कर भला करने के लिए व लाभ देने के लिए आप इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि पैरालिसिस मार दिया है तो हम अकेले कैसे कर सकते हैं योग प्राणायाम। आपको मैंने विधि बताया, एक तरफ लकवा मारने वाले को, दोनों तरफ मारने वाले को, फुल बॉडी मारने वालों को कैसे आसानी से आप योग प्राणायाम कर सकते हैं। तो मैं योगाचार्य ब्रिज मोहन सबको एक बार धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ओम।